दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। न्यूजीलैंड टीम को हार का स्वाद चखाने के लिए टी20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज हुआ प्लेइंग टीम में शामिल। टी20 विश्व कप में मिली लगातार हार के बाद कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जयपुर में होने वाले पहले मैच के लिए अचानक एक बल्लेबाज को टीम में जगह दे दी है। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही कर ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा था। इसी को देखते हुए रोहित शर्मा ने टीम में एक खतरनाक बल्लेबाज को शामिल किया है। आईपीएल में अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाने वाले वेंकटेश अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। वेंकटेश अय्यर एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम के लकी चार्म भी साबित हो सकते हैं। रोहित शर्मा के कप्तान बनते ही टीम में कई युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें वेंकटेश अय्यर का नाम भी शामिल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेंकटेश अय्यर को जगह देने से न्यूजीलैंड टीम को बड़ी परेशानी होने वाली है। वेंकटेश के टीम में शामिल होने पर अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी देखना मजेदार होगा। वेंकटेश अय्यर एक अच्छे खिलाड़ी हैं और रोहित शर्मा ने उनको टीम में शामिल करने का जो फैसला किया वह काबिले तारीफ है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वेंकटेश अय्यर को जगह देनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।